की जो एक खबर है वो ये कि आज महायुति की एक बैठक होनी थी इन तीनों नेताओं के बीच में महाराष्ट्र में, लेकिन वो बैठक रद्द हो गई है। अब अगले 1 से 2 दिन के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी के यहाँ से मुंबई भेजे जाएंगे, उसमें पहले विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है फैसला एक बार हो जाए और उसको सार्वजनिक कर दिया जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी। मैं आपको दो बयान पहले सुनाता हूँ, फिर आपको मुंबई लेकर चलेंगे। सचिन चौधरी जुड़ गए हमारे साथ, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत दोनों ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, अब उनके पास कहने के लिए ज्यादा नहीं है, तो ये कह रही है कि ये तो जनादेश का अपमान है, आज 5 दिन हो गए आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार का मुखिया कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी और मायावती के बीच में फूट पड़ी हुई है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये सब फैसले करने के लिए इनको दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है शिंदे जी को, और अब ये 5 साल वहीं की दौड़ लगाएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैसले दिल्ली में ही होने जा रहे हैं, ये हमने कभी नहीं होने दिया था जब तक हम थे महाराष्ट्र में सत्ता में थे, बीजेपी के साथ भी थे तब भी, बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे बन गए प्रमुख तब भी जो तय होता था मातोश्री तय करता था, कभी हमने किसी के दरवाजे पर जाकर के नाक नहीं रगड़ी थी। बातें आपको सुनाता हूं, फिर एक अपडेट महाराष्ट्र का। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी, जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो आप नहीं रही है, आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा, उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बचे नहीं है। वापस डीसीएम बन रहे हैं, वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे, ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या थाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने, 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से एक बहुमत मिलता है, जनादेश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए, रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा वो भी नहीं हुआ है, फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी तब जाकर होगा। 26 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल खत्म होना था, आज हम बैठे हुए हैं 29 नवंबर पर, 3 दिन ऊपर हो चुका है। मैं मानती हूं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा होता, अगर महाविकास अघाड़ी को समय लग रहा होता तो गवर्नर ने स्टेप इन करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता, पर यहां पर फिर से मैं दोहराऊंगी कि अगर दिल्ली से ही निर्णय लेने हैं और सहमति नहीं बन रही है तो ये आपके जनादेश का अनादर है।